आज मैं फिर से लेकर के आ चुकी हूँ घर और किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक जिसके इस्तेमाल से आप अपने काम को आसान बना सकती हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। तो चलिए कम बातें करते वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप्स हमारे इस तरह के सॉक्स को लेकर के है। अक्सर जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में जब बच्चे या बड़े जो भी इस तरह के सॉक्स पहनते हैं तो क्या होता है, हमारे पैरों में खुजली होती है और अक्सर पसीने की वजह से हमारे पैरों से जो है कि बैड स्मेल भी आती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब हम सॉक्स को पहने तो हमें ना खुजली हो ना हमारे पैरों से बैड स्मेल आए। तो अगर हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करें तो हम अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन हम खुद जो है कि कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने जब पैर सॉक्स को जब धो दिया है और धोने के बाद जब आप उसे उठा करके रख रही हैं, उसी समय आपको ये काम करना है। तो आपको क्या करना है, सॉक्स को इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद इस तरह का जो है कि आपको पाउडर ले लेना है। आप कोई भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस तरह से आपको क्या करना है, पैरों में अरे सॉक्स में इस तरह से जो है कि आपको पाउडर को डाल देना है और डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस तरह से हाथों से इस तरह से हम रब कर देंगे। इस तरह से रब करने के बाद देखिए इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। फिर आप इसको क्या कीजिए, इस तरह से सीधा करके और जो है कि आप अपने सॉक्स को रख दीजिए। अब इसमें से जो है कि न तो पैर स्मेल आएगी और ना ही आपके पैरों में खुजली होगी। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप लोग इसे इस्तेमाल कीजिएगा। और जब हमारे जो है कि अगर हम सॉक्स को इस तरह से हम रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे जो है कि सॉक्स एक पैर के खो जाते हैं। तो ऐसा ना हो आपको क्या करना है, अब यहाँ इस तरह से हमने दोनों सॉक्स को ले लिया, अब हम इस तरह से हम सॉक्स को जो है कि फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम जब फोल्ड कर देंगे तो हमारे सॉक्स दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे और हमें इस तरह से जो है कि खोजना भी नहीं पड़ेगा और हमारे इस समय भी बच जाएंगे। तो ये देखिए हमने जो है कि सॉक्स को इस तरह से जो है कि फोल्ड कर लिया। अब आप इसे रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी इंडू पट्टों को लेकर के है। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने जो है सूट को पहन लेते हैं, ये पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन हमारे ये दुपट्टे इसी तरह पड़े रहते हैं। तो हम इसे जो है कि इधर उधर फेंकने के बजाय हम इसका भी यूज ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से हम इसे अपने घर में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ से जो है कि इस तरह से किनारे के साइड से मैंने यहाँ ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका एक चूनट सा बना लेंगे। इस तरह से हम चूनट की तरह इसे बना लेंगे। तो ये देखिए ये एक चूनट की तरह बन करके रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, या तो यहाँ आप क्या कीजिए, एक जो है रस्सी ले लीजिए और अच्छे से इसे बांध लीजिए, या तो आप रबर बैंड से भी यहाँ बांध सकते हैं। तो मैं यहाँ जो है कि एक रबर बैंड लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ एक रबर बैंड लगा लिया है। अब आपको इसे किस तरह से यूज करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो ये जो हमने रबर बैंड लगाया है ये वाला हिस्सा नीचे कर दीजिए और चाहे तो आप इसे ऊपर कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमने ये दोनों किनारी है यहाँ, आप चाहें तो इस किनारी को मशीन से सिल लीजिए, चाहे सुई धागा से सिल लीजिए और चाहे मत सिले। तो यहाँ मैं यहाँ सिलने वाली नहीं हूँ, यहाँ मैं यहाँ नीचे की साइड से एक गांठ लगा दूंगी इस तरह से। यहाँ गांठ लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने जो रबड़ बैंड लगाया हुआ है इसे हम इस तरह से नीचे कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसे किस तरह से यूज करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा ड्राम है, ये हमारा जो है कि एक ड्राम में मैं चावल रखती हूँ, एक ड्राम में मैं आटा रखती हूँ। तो ये ड्राम हमारा इस तरह से खुला रहता है तो इस पर धूल मिट्टी जा करके जमा हो जाते हैं। अब यहाँ जो हमने दुपट्टे का कवर बनाया है इस तरह से हम इस कवर को इस तरह से हम ढक सकते हैं। जब ढक देंगे तो हमारा जो है ड्राम बिल्कुल जो है कि धूल मिट्टी इस पर जमा नहीं होगी और जब भी गंदा होगा तो कवर गंदा होगा तो हम कवर को धुल लेंगे और ये दिखने में भी पूरा नहीं लगेंगे। तो देखिए मैं लगा करके दिखा रही हूँ कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इस दुपट्टे का कवर बना करके आप कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और भी आगे देख लेते हैं।
तो ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर है। अब हम क्या करेंगे, इस दुपट्टे का जो हमने कवर बनाया है, यहाँ हम सिलेंडर पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अक्सर हम सिलेंडर लाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से छिपा करके रखते हैं कि ये सामने जो कि हम रख देते हैं तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम इसे सामने भी रखेंगे और इस दुपट्टे से कवर करके रखेंगे तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो देखिए, मैं इसे ढक करके दिखा रही हूँ। तो घर में आपके अगर पड़े इस तरह से दुपट्टे हैं तो इस तरह से आप कवर बना करके आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप्स अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगली टिप्स हमारे जूते और चप्पल के डब्बों को लेकर के है। अक्सर हम मार्केट से जूते और चप्पल खरीद करके ले आते हैं तो जूते और चप्पल को यूज कर लेते हैं लेकिन इसके डब्बों को फेंक देते हैं। लेकिन आप इसका भी बहुत ही बढ़िया सा यूज कर सकती हैं। मैं इसका यूज आपको किचन से लेकर बेडरूम तक बताने वाली हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, इस डब्बे को खोलेंगे और यहाँ मैंने एक दफ्ती काट करके रख ली है पहले से। अब हम इसके अंदर इसे फिट कर देंगे और दफ्ती ठीक इसके साइज़ की होनी चाहिए। हमने यहाँ जो है दफ्ती को नीचे से अच्छे से सेट कर लिया है। हमने दफ्ती इसलिए लगाया है कि नीचे से इसे जो है कि अच्छे से मजबूती मिलेगी। और हमने यहाँ क्या किया है, टेप ले लिया है। हम क्योंकि इसे फिट करने वाले हैं तो हम इसे टेप से फिट करने वाले हैं, तो टेप को हम थोड़ा सा बड़े साइज में इस तरह से कट कर लेंगे। टेप को हम क्या करेंगे, डब्बे के पीछे वाले साइड पर हम इस तरह से इसे जो है कि लगा देंगे और जो उसके ऊपर का स्टीकर है हम उसे निकाल लेंगे। टेप को निकालने के बाद आपको अपने किचन में या बेडरूम में जहाँ भी आपको फिट करना है आप इस तरह से इसे फिट कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ इसे फिट कर लिया। तो ये देखिए, टेप की मदद से हमने अपने किचन में इसे फिट कर लिया है। अब आपको इसमें क्या चीज़ रखना है, अब मैं इसमें आपको रख करके दिखा। तो ये देखिए, हमारे पास जो है कि किचन में कुछ कांच की कटोरियाँ पड़ी हुई हैं जो ज़्यादातर यूज नहीं होती हैं और इस कटोरियों को रखे रखे इसमें धूल ही मिट्टी जा करके जमा होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डब्बे में इस कटोरियों को रख देंगे, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इसे निकाल लेंगे। इससे क्या होंगे कि हमारे जो है कि धूल मिट्टी भी इस पर जा करके जमा नहीं होंगे और जो डिब्बे को हम फेंक देते हैं यहाँ भी हम इसे यूज में ले सकते हैं। और फिर आप जो है कि इसे किस तरह से और भी अपने बेडरूम में यूज करने वाली हैं उसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, हमने क्या किया है, अपने बेडरूम के दीवार में भी हमने इसे फिट कर लिया है। अब हमारे जो बेडरूम की सामानें हैं, हमारे नेल पेंट हैं, बिंदी है, क्रीम है, लिपस्टिक है और जो भी हमारे बेडरूम में बिखरी हुई सामानें हैं इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और जिन डब्बों को हम जो है कि उसकी सामानें यूज करके इस तरह से फेंक देते हैं वो भी यूज में ला सकते हैं और ये बिल्कुल बुरे नहीं लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप्स अच्छी लगी होगी तो दोस्तों और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं जिसे मैं आपको धन्यवाद कर सकूं। तो यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।